देश भर में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब तक देश में 190 से ज्यादा केस पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 5 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना को रोकने के लिए सरकारें कई कदम उठा रही हैं। पीएम मोदी ने भी लोगों से 22 मार्च को सुबह 7 बजे से रात को 9 बजे तक जनता कर्फ्यू लगाने की अपील की है और कहा है कि जब तक बहुत जरूरी ना हो घर से ना निकलें। वहीं दूसरी तरफ डीएमआरसी ने भी नई एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली मेट्रो ने अपनी एडवाइजरी में 8 पॉइंट्स दिए हैं, जिनमें से सभी को एक सीट छोड़कर बैठना होगा। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि यात्रीगण मेट्रो में सफर करते वक्त भी सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखें। मेट्रो में या स्टेशन पर यात्रा करते समय कृपया एक दूसरे से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। इसके साथ ही मेट्रो में सफर कर रहे यात्रियों की रेंडल थर्मल स्कैनिंग सभी मेट्रो स्टेशनों पर की जाएगी। अगर किसी को बुखार है या कोरोना वायरस का कोई लक्षण दिखाई देता है तो उसे चिकित्सा परीक्षण और क्वारंटीन के लिए भेजा जाएगा। इसके साथ ही मेट्रो ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि जिन स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ होगी, यानी जहां यात्रियों के बीच 1 मीटर की दूरी रखना असंभव है, वहां मेट्रो नहीं रुकेगी। लास्ट में डीएमआरसी ने सभी से अपील की है कि वैश्विक संकट से निपटने के लिए हम सभी को संकल्प करना चाहिए और इसके प्रसार की कोशिश में सहयोग देना चाहिए। न्यूज़ डेस्क।